वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन क्लास सेकंड। कंजंक्शन का आज क्लास सेकंड है, पार्ट सेकंड है। और अभी तक हमने आपको कंजंक्शन पार्ट वन या क्लास वन में पढ़ाया था व्हाट इज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है आपको पढ़ाया गया था। कंजंक्शन मतलब कॉन प्लस जंक्शन, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। फिर आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, में पढ़ाया था कंजंक्शन आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये थे आपके यूजेस के हिसाब से। और एक साइज के हिसाब से कंजंक्शन होता है तीन तरह का, सिंपल, कंपाउंड और कोरिलेटिव। सिंपल कंजंक्शन वह होता है जो सिंगल वर्ड से बनता है, कंपाउंड वह होता है मोर देन वन वर्ड से बनता है, और कोरिलेटिव होता है जिसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है, जैसे आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा। तो मेनली यूजेस के हिसाब से आपके दो तरह के थे, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट कंजंक्शन के क्लास फर्स्ट में आपको हमने पढ़ा दिया था व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके चार तरह होते हैं। फर्स्ट, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ेंगे। पहला, इसमें पहला काइंड था कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा इलेक्टिव। उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी एरर क्या आती है, ये सब आपको सिखाया गया। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे जा रहे हैं सेकंड कंजंक्शन की, क्लास सेकंड में। सेकंड हमारा जो काइंड है उस तरह के कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं, और आपका जो सेकंड काइंड था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो आपको पता है ये वो कंजंक्शन है जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, और ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, और ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और बताया गया बच्चों कि देयर आर सेवन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सात तरह के होते हैं। फर्स्ट, टाइम बताने वाले, जिसमें बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, सिंस, व्हेन, व्हाइल। सेकंड, काज, रीजन बताने वाले, बिकॉज, सिंस, एज। थर्ड, पर्पज, सो दैट के साथ माइट आता है, लेस्ट या सुड, ये लेस्ट या सुड लगाते हैं। फोर्थ, रिजल्ट या कंसिक्वेंस बताने वाले, परिणाम बताने वाले, सो दैट होता है। पांचवा, कंडीशन बताने वाले, व्हेन, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड होता है। छठा, कंसेशन बताने वाले, ऑल्दो, हाउएवर होता है। और पांचवा, कंपैरिजन बताने वाले, मोर देन, एज, एज, सो एज। तो बच्चों, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इनका यूज जहां पर होगा ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनके करेक्ट यूजेस कैसे होती, इनकी एरर कैसे आती, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मेन हमें जो जरूरत होती है इनके करेक्ट यूज की, और इनके इनसे कॉमन एरर कैसे बनती है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन। तो ये बात करते हैं इन सेवन काइंड्स के करेक्ट यूजेस की। तो पहला हमारा है टाइम। बच्चों, टाइम वाले हमारे पास कंजंक्शन है बिफोर, आफ्टर, टिल। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, टिल मीन्स तक, अनटिल जब तक नहीं, सिंस समय बताता है, व्हेन और व्हाइल ये सारे वर्ड्स समय बताते हैं। अब कैसे समय बताते हैं, इनका यूज देखिएगा। तो आपने पढ़ा होगा बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड, ये सब के सब कंजंक्शन समय बताएंगे। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहां पर देखिए आपका बिफोर क्या बता रहा है, ये टाइम बताता है और पहले की बात कर रहा है। आफ्टर सेट कैसे होता है, जैसे द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। तो आपको यहां पर सीखना है कि बिफोर और आफ्टर समय बताता है, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। और यहां पर रूल सीखिएगा कि जब बिफोर आता है तो पहले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, दूसरे में सेकंड फॉर्म आती है, और जब आफ्टर आता है तो पहले पार्ट में सेकंड फॉर्म आता है, दूसरे में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अगला आपका है टिल और अनटिल। टिल मींस तक,
अंटिल मीन्स जब तक नहीं, टिल पॉजिटिव बात करता है, अंटिल नेगेटिव बात करता है। जैसे ऐसा एग्जाम्पल है, वेट हियर टिल आई रिटर्न, वेट हियर यहां रुको टिल जब तक मैं आऊं, पॉजिटिव बात हो रही है। तो जब पहला अफर्मेटिव है लगाते हैं, और अगर पहला नेगेटिव है जैसे डोंट गो अंटिल आई रिटर्न, मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। तो जब पहला आपका, तो याद रखिएगा, जब पहला आपका निगेटिव होता है फिर दूसरा भाग भी अंटिल लगाते हैं और निगेटिव बनाते हैं, ये आपका हो जाता है अंटिल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के। अगला आपका है एक सेंस होता है, एक सेंस होता है, बच्चों यहां पर ये सिंगल एल है, यहां पर करेक्शन कर लेना, यू एन टी आई से सिंगल सेंस होता है व्हेन और व्हाइल। अब देखिए कैसे लगाते हैं, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे I have not played cricket since I left the college। तो बच्चों ये हमारा सिंस यूज होता है समय के लिए, कैसे होता है, I have not played cricket, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है सिंस, जब से I left college, मैंने कॉलेज छोड़ा है। तो यहां पर सिंस टाइम बता रहा है। और याद रखिएगा जब भी सिंस आता है तो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, है प्लस थर्ड फॉर्म आती है, दूसरे में सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन और व्हाइल का यूज कैसे करते हैं, जैसे रामू वॉज प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड, रामू वॉज प्लेइंग, रामू खेल रहा था जब मैं पहुंचा, तो व्हेन टाइम बताता है। व्हाइल भी समय बताता है, कैसे बताता है, जैसे रामू वॉज प्लेइंग व्हाइल आई वॉज रीडिंग, रामू वॉज प्लेइंग, रामू खेल रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। अब देखिए व्हेन और व्हाइल में बस ये फर्क है कि जब काम हो चुका हो उसकी बात करेंगे तो व्हेन लगाएंगे, और काम अगर जारी है तो फिर व्हाइल लगाते हैं। तो ये था आपका पहला काइंड सबॉर्डिनेट कंडीशन का, पहला काइंड टाइम वाले कंडीशन पर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की, फटाफट आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकंड आपका है काज रीजन बताने वाले, कारण बताने के लिए जो हमारे कंडीशन होते हैं वो होते हैं काज रीजन वाले होते हैं, बिकॉज सिंस और एज। जैसे यूज कैसे करते हैं, जैसे राम कैन नॉट प्ले विद अस बिकॉज हिज मदर इज इल। देखिए कारण हो गया, राम कैन नॉट प्ले विद अस, राम हमारे साथ नहीं खेल सकता है क्योंकि उसकी मां बीमार है, तो ये कारण हो गया। यहां पर हम सिंस लगा सकते हैं, राम कैन नॉट प्ले विद अस सिंस हिज मदर इज इल, जैसा कि उसकी मां बीमार है। और यहां पर हम चाहे तो एज भी लगा सकते हैं, राम कैन नॉट प्ले विद अस एज हिज मदर इज। ये सारे सारे आपके कारण बताते हैं। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की, फटाफट एग्जांपल्स नोट करते जाएं। अगला है आपका पर्पज, बच्चों पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य बताने के लिए पे हमारे पास जो कंजक्शन है वो होते हैं सो दैट, और सो दैट का मतलब होता है ताकि, इसके साथ है तो मे आता है और माइट आता है। अब बच्चों यहाँ पर रूल है मे कब आता माइट कब आता है, तो इसका रूल ये है कि अगर इसके पहले का सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो मे लगाइएगा, और इसके पहले का सेंटेंस पास्ट है तो माइट लगाइएगा। जैसे यू कम हियर सो दैट यू मे स्टडी, देखिए सेंटेंस आपका है यू कम हियर, तुम यहां आते हो सो दैट ताकि पढ़ सको, तो पहला प्रेजेंट है यहां पर मे लगाया गया। एक और सेंटेंस है आपको, देखिएगा ही वेंट टू आगरा सो दैट ही माइट सी द ताज,
ही वेंट टू आलू भाई आगरा गया ताकि, अब यहाँ पर देखिए फिर से सो दैट आया लेकिन माइट लगाया क्योंकि पहला पार पास्ट का है, वेंट लगा हुआ है ताकि आगरा ताजमहल देख सके। दूसरा होता है लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो और इसके साथ हमेशा सुट लगाते हैं। और एक बात रखिएगा, लेस निगेटिव बात करता है तो इसके साथ फिर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो, लेस्ट है तो शुड लगाते हैं। और देखिए गलती कैसे होती है, एग्जाम में क्या करेंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे, शुड नॉट कर देंगे, गलत हो जाएगा, लेस निगेटिव है तो नॉट नहीं आता। तो बच्चों ये थे आपके कंजक्शन जो पर्पज बताते हैं। अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट काइंड, अगला है रिजल्ट या कंसेक्वेंस यानी परिणाम बताने वाले कंजक्शन। इसमें देखिए सो है, अब देखिए सो दैट जब एक साथ आता है तो पर्पज बताता है और सो के बाद दैट आता है तो ये रिजल्ट बताता है। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस होता है ही इज टू फैट टू रन, और यहां पर एडवर्ब टू का यूज होता है, इसका मतलब होता है ही इज टू फैट, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। और आपको देखा होगा कभी कभी एयरफोर्स में पूछा जाता है रिमूव टू, तो बस क्या करते हैं इस टू की जगह पे लगा देते हैं सो और इस टू की जगह पे लगाते हैं दैट, और आगे कैन या कुड आता है प्लस नॉट आता है और फिर आपके वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें देखिए जैसे यहां पर था मे कब आएगा माइट कब आएगा, ऐसे यहां पर भी होता है कैन कब आएगा कुड कब आएगा, तो बस ये होता है अगर इसके पहले का सेंटेंस प्रेजेंट का है तो फिर कैन लगाइएगा और पहले का सेंटेंस अगर पास्ट है तो कुड लगाइएगा। जैसे अब यहां पर देखिए पहला प्रेजेंट है तो यहां पर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा ही इज इस टू जो सो जाएगा सो फैक्ट That हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट दोबारा फिर से बना देते हैं, यहां पर हो जाएगा ही और ये प्रेजेंट है तो यहां पर कैन आ जाएगा ही कांट रन, तो ये होता है आपका सो और दैट का यूज। अब अगर पास्ट होता है जैसे सी वाज सो ओल्ड दैट She could not walk. अब बच्चों यहां पर देखिए was था तो could लगाया गया, तो ये होता है आपका result या consequence बताने वाले conjunction। अब आगे बात करते हैं next हमारा, फटाफट नोट करते चले बच्चों। और अगला हमारा है condition बताने के लिए। बच्चों condition बताने के लिए हमारे पास जो conjunction है वो है when, if, unless और provided। बच्चों देखिए if और unless ये positive बात करते हैं, और sorry if और provided positive बात करते हैं, unless negative बात करता है। जैसे और when time बताता है, जैसे if you come I shall teach you, if you come अगर तुम आओगे मैं पढ़ाऊंगा, कंडीशन है तो पॉजिटिव बात हो रही है इफ लगाए, यानी यहां पर हम चाहो तो बच्चों इफ की जगह पर प्रोवाइडेड भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू कम आई शैल टीच यू। वेन से कैसे होती, जैसे वेन आई गो टू आगरा आई शैल सी द ताज, When I go, जब मैं आगरा जाऊंगा ताजमहल देखूंगा, याद रखिए फ्यूचर कंडीशन होती है तो पहला बनता है प्रेजेंट में दूसरा बनता है फ्यूचर में। अनलेस निगेटिव बात करता है, अब देखिए कैसे लगाते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड, सेंटेंस देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करते हैं आप सफल नहीं हो सकते। और याद रखिए अनलेस के पार्ट में कभी नॉट नहीं आता, अगले पार्ट में नॉट जरूर आता है। एग्जाम में कभी कभी एरर ऐसी आ जाती है, अनलेस यू डोंट कम आई शैल नॉट
हेल्प यू तो गलत हो जाएगा। अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो सेंटेंस बनेगा अनलेस यू कम, डोंट नहीं आएगा अनलेस यू कम, ठीक है, और अगले में नॉट जरूर आएगा। तो बच्चों ये थे आपके कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की, हम लोग पढ़ रहे हैं सब और इनफिनिटिव कंजंक्शन, और नेक्स्ट आपका बच्चों है कंसेशन बताने के लिए। कंसेशन मतलब होता है कि जहां पर कुछ काम में हमारी कमी रह जाती है वो कंसेशन कहलाता है, और वो हमारे पास है आल्दो, दो भी होता है हाउएवर या एक दो होता है, जैसे और आल्दो या दो का मतलब होता है यद्यप, जैसे कैसी कमी रह जाती है, जैसे सेंटेंस आपका है आल्दो ही वर्ड हार्ड येट फेल्ड। अब देखिए आल्दो यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, कमी रह गई, और आल्दो के साथ याद रखिएगा बच्चों येट आता है या काम आता है या दो भी होते हैं, जैसे दो ही वर्ड हार्ड येट फेल्ड, तो यहां पर याद रखिएगा आल्दो दो के साथ येट या काम। अब कामा कैसे लगाते हैं, जैसे आल्दो यू रीच्ड देयर येट यू कुड नॉट सी हर, यद्यप आप वहां पहुंचे लेकिन आप उसे मिल नहीं सके। अब देखिए यहां पर येट लगाया है, चाहो तो आप कामा भी लगा सकते हैं, आल्दो यू रीच देयर कामा यू कुड नॉट सी हर, आप उसे मिल नहीं सके। एग्जाम में क्या होता है कभी कभी बच्चे यहाँ पर येट की जगह पर बट लगा देते हैं कि आल्दो यू रीच देयर बट यू, तो गलत हो जाएगा, या तो येट आएगा या कामा आता है। तो ये था आपका कंसेशन वाले। इसमें एक और है हाउएवर। अब देखिए हाउएवर से कंसेशन कैसे यूज करते हैं, हाउएवर का यूज कैसे होते हैं बच्चों, हाउएवर मींस होता है चाहे जितना, जैसे इसको यूज करते हैं हाउएवर ही मे ट्राई, हाउएवर ही मे ट्राई ही कांट डिफीट मी। अब देखिए हाउएवर ही मे ट्राई, चाहे जितनी कोशिश कर ले वो मुझे हरा नहीं सकता है, यानी कंसेशन रह जाता है कि काम नहीं हो पाएगा। ये था हाउएवर मींस चाहे जितना। बच्चों ये था आपका कंसेशन वाले कंजंक्शन कैसे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के लास्ट कंजंक्शन की, वो है कंपैरिजन। बच्चों कंपैरिजन मतलब होता है जहां पर हम तुलना करते हैं, ये कंडीशन थी कंसेशन थी, अब है कंपैरिजन जहां पर तुलना करते हैं, और ये हमारे पास मोर देन है। बच्चों मोर देन कंपेटिव डिग्री में आता है, और आपका एज और सो एज ये आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है। जैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे आई लव यू मोर देन पप्पू, आई लव यू मोर देन पप्पू, मैं आपको पप्पू से ज्यादा प्यार करता हूं, तो यहां पर मोर देन हो रहा है क्योंकि तुलना हो रही है, और किसकी तुलना हो रही है, आई और यू और पप्पू के से। अब एज एज कैसे आता है, जैसे ध्यान रखिएगा एज एज और सो एज फर्क क्या होता है, जब पॉजिटिव बात होती है तो एज एज, अब निगेटिव बात होती है तो सो एज, यानी कि जब ठीक पहले नॉट लगा हो तो सो एज लगाते हैं, और डिग्री पॉजिटिव होगी, जैसे ही इज एज गुड एज राजा, ही इज एज गुड एज, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव है तो एज एज आया, और अगर यहां पर नॉट लग जाए तो सो आ जाएगा, जैसे ही इज नॉट सो गुड एज राजा, तो जब निगेटिव होगा तो सो लगाते हैं। तो बच्चों ये थे आपके हमारे सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो सात तरह के थे, टाइम काज परपज रिजल्ट कंडीशन कंसेशन और कंपैरिजन, उनके करेक्ट यूजेस क्या होते हैं, उनकी एरर कैसे आती है आपको सिखाया गया। अब थोड़ा सा एक और बचा हुआ कुछ अदर यूजेज ऑफ कंजंक्शन, थोड़े से और अदर यूजेस क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो डालिएगा फटाफट नेक्स्ट हेडिंग, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा और इसका नाम है अदर यूजेज ऑफ कंजंक्शन।
अदर यूजेस ऑफ कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन के अदर यूजेस कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अदर यूजेस में हमारे कुछ रूल्स हैं। एक रूल है कि अगर सच आता है तो उसके साथ एस लगाते हैं, और अगर सेम आता है तो उसके साथ एस भी आता है और दैट भी आता है। सच मींस ऐसा, एज आता है, और सेम मींस भी तो बिल्कुल वही, इसके साथ एज दैट आता है। अब यहां पर देखिए क्या है, जैसे इट इज सच अ बुक एस आई गिव यू। अब देखिए इट इज सच ए बुक, ये बिल्कुल वैसी किताब है जैसे मैंने आपको दी थी, सच है तो एज आया हुआ, और सेम के साथ एज दैट आता है। यहां पर देखिए रूल क्या है कि अगर आगे वर्ब दिया गया हो तो दैट लगाओ, वर्ब ना हो तो एज आता है। जैसे जैसे इट इज द सेम बुक एज माइन। अब देखिए सेम है तो एज आया हुआ क्योंकि आगे वर्ब नहीं है, और इट इज द सेम बुक दैट, ये वही किताब है जैसे मैंने आपको दी थी। तो यहां पर देखिए जब वर्ब दिया गया तो दैट लगाते हैं। यहां पर एक रूल इंपॉर्टेंट ये है कि सेम के साथ एज दैट आता है, यहां पर कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए एरर कैसे आती है, जैसे ही इज द सेम मैन Who helped you? तो गलत हो जाएगा बच्चों, सेम लगा है तो who नहीं आएगा, या तो as that, देखिए दोनों आ सकते हैं, वैसे बहुत कोई hard and fast rule नहीं है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि जब emphasize करना होता है that लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बस important यह है कि who नहीं आएगा, यहाँ पर as आ जाएगा, that आ जाएगा, यहाँ पर हम that लगा देंगे क्योंकि help लगा हुआ। He is the same man that helped you। तो ये था हमारा, सच है तो as, सेम के साथ as that आता है, ठीक है। अगला बोल फटाफट नोट करते जाएं बच्चों। नेक्स्ट रूल आपका है, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली। हार्डली मीन्स मुश्किल से, स्कार्सली मीन्स मुश्किल से, बस दोनों फर्क ये होता है कि हार्डली डिग्री बताता है और उसका असली क्वांटिटी बताता है, और दोनों के साथ क्या देखिएगा बच्चों, दोनों के साथ वैन आता है या कभी कभी बिफोर भी आ जाता है, बस या तो वैन या बिफोर। जैसे और ये जैसे सेंटेंस होता है, जैसे आई हैड हार्डली reached home when it began to rain। यहां पर देखिए मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई, हार्डली है तो वैन लगाते हैं। एग्जाम में देखिए एरर कैसी आती है, यहां पर जनरली वो लोग देन लगाते थे तो गलत हो जाएगा, देन नहीं आएगा, वैन आएगा। हाँ बिफोर आ सकता है, आई हैड हार्डली रीच्ड होम बिफोर इट बिगेन टू रेन। अब देखिए इसमें इसका असली कैसे यूज करते हैं, जैसे यू हैव स्कार्सली इनफ मनी, यू हैव स्कार्स, तुम्हारे पास मुश्किल से थोड़ा पर्याप्त पैसा है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा स्कार्सली क्वांटिटी बताता है और हार्डली आपका डिग्री बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर बच्चों। अगला है आपका, नेक्स्ट रूल आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहता है, ये होता है नो सूनर, और नो सूनर के साथ हमेशा देन लगाते हैं, और नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, नो सूनर एडवर्ब है, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे
नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो हमने क्या देखा, नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तुरंत। नो सूनर डिड आई रीच स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट चुकी थी। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। एग्जाम में यहां पर वेन या कामा लगा देते हैं। और देखिए जैसे गलतियां कैसे आती हैं, नो सूनर यू हेल्प मी देन आई पास द एग्जाम। जो ही तुमने मेरी सहायता की मैंने परीक्षा पास कर ली, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि नो सूनर आने पर पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पर देखिए ये हेल्प सिंपल पास का है, तो डिड आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड यू और फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है हेल्प मी। तो ये होता है नो सूनर और देन का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगला रूल आपका है रूल नंबर 4। बच्चों रूल नंबर 4 कहता है, एक होता है एज इफ और एक होता है एज दो। एक एज इफ है एक एज दो है, दोनों का मतलब होता है मानो की, और इनके साथ हमेशा वर आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वर लगाते हैं, और ये हमेशा कल्पना करते हैं इसका मतलब होता है मानो की। जैसे जैसे सी वॉक्स एज इफ सी वर क्वीन, और हमेशा वर आता है। सी वॉक्स वह चलती है एज इफ मानो की रानी हो, है नहीं माना जा रहा है, तो सी सिंगुलर है तो भी वर लगाते हैं, और यही हाल एज दो का होता है। जैसे ही स्पीक्स एज दो ही वर अ लीडर, कोई बोलता है मानो की नेता हो, है नहीं माना जा रहा, ही के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो बच्चों ये था आपका एज इफ और एज दो का यूज। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल। बच्चों अगला रूल नंबर 5 है एक होता है एज मच एज, एक होता है एज फार एज, और एक होता है एज लॉन्ग एज। एज मच एज फार एज लॉन्ग एज, बच्चों एज मच एज होता है इतना अधिक जितना, और ये बताता है क्वांटिटी। एज फार एज होता है उतनी दूर जितनी दूर, ये बताता है डिस्टेंस। और एज लॉन्ग एज उतनी देर तक जितनी देर तक, ये बताता है टाइम। इनका यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिएगा, जैसे यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, यू कैन ईट तुम खा सकते हो एज मच एज जितना अधिक तुम चाहो क्वांटिटी। यू कैन वॉक एज फार एज यू वांट, यू कैन वॉक तुम चल सकते हो उतनी दूर तक जितना आप चाहते हो एज फार एज आया। और एज लॉन्ग एज ऐसे लगाते हैं, जैसे यू कैन स्टडी हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, तुम यहां पढ़ सकते हो उतनी देर तक जितना आप चाहो, ये टाइम की बात करता है। तो ये था आपका एज मच एज फार एज और एज लॉन्ग एज का यूज। बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल की। अगला और लास्ट रूल आपका है अदर यूजेज ऑफ कंजक्शन में। रूल ये है कि आपका
कुछ हमारे नेगेटिव कनेक्शन होते हैं, जैसे अनलेस, अंटिल, स्कार्सली, हार्डली, लेस्ट और फॉरवर्ड। बच्चों ये हमारे कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो निगेटिव हैं, बस रूल हमें याद रखना है इनके साथ कभी भी नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं करना है। निगेटिव हैं इनके साथ कभी नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको, अनलेस यू डोंट कम आई शैल नॉट teach you, unless जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखिए यहां पर ये unless लगा है तो not नहीं आएगा, तो बस क्या है not नहीं आएगा, do नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा unless you come, जब तक तुम नहीं आओगे। देखिए ये negative है, आगे negative बनेगा, यहां not आएगा। और देखिएगा जैसे अभी पढ़ाया था work hard lest You should not fail. कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। जब लेस लगा है तो नॉट नहीं आएगा, यू शुड फेल हो जाएगा। ऐसे फॉरवर्ड साथ होता है, जैसे ही फॉरवर्ड मी नॉट टू प्ले। फॉरवर्ड होता मना करना, तो जब बच्चों फॉरवर्ड लगा है तो नॉट नहीं आएगा, ही फॉरवर्ड मी टू प्ले। तो बच्चों ये हमारा है अनलेस मीन्स जब तक नहीं, अंटिल मीन्स जब तक नहीं, इसका असली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, लेस्ट कहीं ऐसा ना, फॉरवर्ड मीन्स मना करना, ये सब के सब नेगेटिव कंजक्शन है और इनके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं होता। तो बच्चों ये था आज हमने आपको पढ़ाया सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होते, उनके करेक्ट यूजेस कैसे होते, उसके बारे में बताया क्या, और इसके बाद हमने आपको कुछ अदर यूजेज ऑफ कंजक्शन बताया। तो ये था आपका आज का कंजक्शन, उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी खूब दिल खोल के शेयर करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।